सभी भाइयों को दीपक हाँ शर्मा की तरफ से राम राम नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल धरती पुत्र किसान पे। आज की वीडियो में आप भाइयों को दो भैंसे दिखाएंगे। जो भी जानकारी है पशुधन के बारे में भाई से पूछेंगे, और जो भी भाई पहली बार चैनल पे वीडियो देख पा रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबाए, ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप भाइयों को मिलता रहे। तो युवा साथी हैं, एक बार जानकारी ले लेते हैं पशुधन के बारे में। भाई जी राम राम। एक बार अपना परिचय दें भाई। नाम है अपना प्रिंस। नाम आपका प्रिंस है। गांव कौन सा है जी? तहसील निसिंग है। तहसील निसिंग, जिला करनाला जी। तो क्या कुछ जानकारी है पशुधन के बारे में? ये भाई दूसरे ब्यास की है। अच्छा, दूसरे ब्यास की है, घर की जोटी है। दांतों में कैसे है ये? दांत भाई पूरे, दांत भर चुकी है। हाँ जी, ठीक है जी। तो कितने दिन की ब्याई हुई है? जो भी जानकारी दें, सबसे पहले कहना चाहूंगा बिल्कुल सुस्पष्ट दें। 15 दिन की ब्याई है भाई। जी जी। नीचे इसके फीमेल काफ है। नीचे फीमेल काफ मौके है। पे 14 से 15 लीटर दूध तैयार है। 14 से 15 लीटर दूध मौके पे। हाँ जी। तैयारी क्या है? तो कितने दिन की होगी आज ब्याई हुई? 15 दिन की। 15 दिन की। हाँ जी। ठीक है जी। एक बार मैं नजदीक से दिखाना चाहूंगा, एक बार चला के थोड़ा सा जरूर दिखाए भाई। ये देखिए, बात हम बताना चाहते हैं। जी जी। इसका एक खुर बनवाया है कल। अच्छा, खुर थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा के चलती है। हाँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कोई नहीं। दो दिन में हो जो भी है वो भाई वीडियो देख पा रहे हैं उनको सुस्पष्ट दिखाएंगे। तो जैसा भाई ने बताया कि कल खुर बनवाया था इसका, और उस वजह से थोड़ा सा जो लंगड़ा के चलती है। बाकी भाई आप वीडियो के माध्यम से साफ देख सकते हैं आपको क्या कोई और कमी लगती है, या जो भाई बता रहे हैं वही चीजें हैं। थोड़ा सा और लेके जाओ आगे एक बार, तो भाई साइड से दिखाना चाहूंगा। तो ये इस वजह से दिखा रहे हैं भाई, कोई भाई ये ना सोचे कि उसके साथ जो मतलब वीडियो मैंने दिखाई है आप भाइयों को वो गलत तरीके से दिखाई है। जो भी आपको दिखाएंगे वो बिल्कुल सुस्पष्ट, इतना ही है काफी, ले आओ। तो ये देखें आगे से मैं दिखाना चाहूंगा। भाई ने बताया कि दूसरा ब्यांत है, और इसकी एक आंख है जो वाइट है, और एक आप देख सकते जवाब है, सारी आंख काली नहीं है। जी जी, आपको जवाब मिलेगा। ये देखें, तो आगे और जानकारी ले लेते हैं भाई से। ये देखें भाई, साइड से भी आप देख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने आप भाइयों को सुस्पष्ट दिखाई है, ताकि कोई किसी भाई के साथ कोई ये ना हो कि मेरे साथ जो फ्रॉड किया गया। इधर आ जाओ, वो बच्चा है भाई इसका। अच्छा, वो बच्चा भी। तो ये बच्चा है भाई इसका। कितने दिन की बताई थी आपने ब्याई हुई? 15 दिन की। 15 दिन की, ठीक है जी। और इसके बारे में और बताएं। ये भाई तीसरे ब्यांत में है। तीसरे ब्यांत में है। हाँ जी, एक हफ्ते की ब्याई है। एक हफ्ते की ब्याई हुई है। बच्चा इसका भाई कल एक्सपायर हो गया। अच्छा, कल एक्सपायर हो गया। हाँ जी, ठीक है जी। तो अभी कैसे दे रही है दूध? अभी ये बस 1000 रुपए मिलती है, कोई बाड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसी मिल पड़ती है। अच्छा, ऐसे ही जब भी इसका दूध का टाइम होता है। हाँ जी, तो ऐसे दूध निकलवा लेती है। तो कीमत और बताओगे इनकी? कीमत भाई उसकी 1,20,000। 1,20,000। हाँ जी। और इसकी मौके पे कर लेंगे भाई, इसकी भाई लेने के इच्छुक है। अच्छा, कर देंगे वो तो देखो जिसको भी लेनी होगी भाई। मैं तो एक छोटी सी चीज मानता हूँ, जिसको देखो गलत कमेंट करनी है वो करेगा, जिसको जो कहना है वो तो मतलब कह के ही हटेगा। तो अपना जो भी पशु का रेट है वो जरूर बताएं, ताकि लेने वाला ही आपके पास फोन करे। 95,000 में दे देंगे भाई। अच्छा, इसकी कीमत है? दूध है, 14 लीटर दूध है। ब्याई हुई आपने बताई एक हफ्ते की ब्याई हुई है। इसको भी मैं एक बार नीचे से दिखाना चाहूंगा, इसे भी एक बार बाहर लेके जाओ खोल के। तो ये देखें भाई, दोनों पशु चला के भी दिखाए, अब आप अपने हिसाब से इनको देख सकते हैं। जो चीजें थी वो मैंने आपको सुस्पष्ट दिखाई, ये देख सकते हैं भाई। और ये साधारण किसान है, इनका कोई सेल परचेज का काम नहीं है। ऊपर दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करके कोई भी पशुधन है इनमें से खरीदने के इच्छुक हैं, उसके सींग है जैसे मैंने बताया कि खुले हैं,